नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। हमारे चैनल पर कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सीआरटी के बारे में बताया था कि सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और सीआरटी की वर्किंग क्या है, कैसे स्क्रीन पर एक इमेज क्रिएट होती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब क्या है और ये सीआरटी से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, ये भी आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। इसे हम शॉर्ट में डीवीएसटी भी लिखते हैं दोस्तों। डीवीएसटी जो है वो रैंडम स्कैन अप्रोच को यूज करता है किसी भी इमेज को स्क्रीन पर क्रिएट करने के लिए। DVST रैंडम स्कैन अप्रोच को यूज करता है। रैंडम स्कैन में क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्क्रीन के उसी पार्ट पर जाकर के स्ट्राइक करती है जहां पर उसे इमेज क्रिएट करनी है। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम फुल स्क्रीन पर ट्रैवल नहीं करती, वो सिर्फ उसी पार्ट पर स्ट्राइक करती है जहां उसे इमेज क्रिएट करनी है। दोस्तों, DVST में स्क्रीन पर जो फॉस्फर कोटेड लेयर लगी होती है उससे जस्ट पहले एक स्टोरेज ट्यूब होती है। इस स्टोरेज ट्यूब का काम है पिक्चर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। ठीक, यहीं से इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसे स्क्रीन पर किस पार्ट पर स्ट्राइक करना है और किस तरह से इमेज को क्रिएट करना है। डीवीएसटी में दो इलेक्ट्रॉन गन है, एक प्राइमरी गन और एक फ्लड गन। दोस्तों, प्राइमरी गन का काम होता है पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करके रखना। ओके, और फ्लड गन का काम होता है जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, जैसे कि आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन गन है, प्राइमरी गन और फ्लड गन। ठीक है, बाकी डिफ्लेक्शन सिस्टम, फोकसिंग सिस्टम और स्क्रीन पर है फॉस्फर कोटेड की एक लेयर और उसे जस्ट पहले लगी होती है एक स्टोरेज ट्यूब। ओके, जो कि पिक्चर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। बाकी सभी जो फंक्शंस हैं, जो कंपोनेंट है, वो सीआरटी की तरह ही वर्क करते हैं। बस डीवीएसटी में दो इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, प्राइमरी गन और फ्लड गन। प्राइमरी गन जो है वो पिक्चर के पैटर्न को स्टोर कर रही है और फ्लड गन पिक्चर के डिस्प्ले को मेंटेन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डीवीएसटी के बारे में जान गए और सीआरटी से किस तरह से डिफरेंट है ये भी आपने समझ लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो डीवीएसटी में जो आपकी इमेज है वो बार बार रिफ्रेश नहीं होती, जबकि सीआरटी में आपकी जो स्क्रीन है, जो इमेज है, वो 30-60 टाइम्स विद इन सेकेंड रिफ्रेश होती रहती है। ओके, डीवीएसटी में आप एक हाई रिजोल्यूशन पिक्चर को डिस्प्ले करा सकते हैं विदाउट फ्लिकर, यानी कि इमेज आपकी फ्लिक भी नहीं करेगी और एक आप हाई रिजोल्यूशन पिक्चर को डिस्प्ले करा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर आपने पिक्चर के किसी भी पार्ट को इरेज करना है, उसे मॉडिफाई करना है, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। डीवीएसटी जो है वो डायनामिक ग्राफिक्स एप्लीकेशन के लिए एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है। तो ये थी दोस्तों इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके टॉपिक समझ में आया या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।